भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है हमारी एक नई यात्रा में। और इस वक्त बज रहे हैं शाम के 6 और हम मौजूद हैं जिला मुख्यालय लखनऊ से दक्षिण की ओर लगभग 20 किलोमीटर दूर एक ब्लॉग हेडक्वार्टर में, जिसे हम मोहनलालगंज के नाम से भी जानते हैं, जो कि डाक प्रधान कार्यालय भी है। मोहनलालगंज नामक इस प्रसिद्ध नगर को 1859 में राजा काशी प्रसाद जी द्वारा स्थापित किया गया था और इसका नाम उनके ससुर मोहनलाल के नाम पर रखा गया, जिनसे उन्होंने अपनी संपत्ति प्राप्त की, जिससे उन्होंने इस नगर के निर्माण कार्य के लिए लगभग 80,000 रुपये लगाकर नालियां और चिनाई वाले बरामदे बनवाए। बीसवीं शताब्दी के मोड़ पर मोहनलालगंज को मुख्य रूप से अनाज और कपड़ों के केंद्र के रूप में वर्णित किया गया था। आज के समय में उत्तरगांव, मीनापुर, गोविंदपुर जैसे लगभग 113 गांव मोहनलालगंज की सीमा में आते हैं। मोहनलालगंज की लगभग 93% आबादी गांव में ही निवास करती है। मोहनलालगंज पश्चिम की ओर सरोजनी नगर ब्लॉक, पूर्व की ओर गोसाईगंज ब्लॉक, उत्तर की ओर लखनऊ ब्लॉक से घिरा हुआ है। लखनऊ, पुरवा, जैतपुर, उन्नाव मोहनलालगंज के कुछ नज़दीकी शहर हैं। हजार 2011 की जनगणना के अनुसार मोहनलालगंज की कुल जनसंख्या 4,80,000 के करीब थी और लगभग 91,000 परिवार रहा करते थे। अगर लिंग अनुपात की बात करें तो 1,000 पुरुषों पर 909 महिलाएं थी। मोहनलालगंज की ज़्यादातर आबादी गांव में ही निवास करती है। यही वजह है कि यहां का मुख्य व्यवसाय भी पशुपालन और खेती है। वैसे आप कहाँ से हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।